नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। तो आखिर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है क्या? जब भी कोई दुर्घटना से गुजरता है तो उनके मानसिक संतुलन पर भी एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें राहत देने के लिए हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड या PFA का प्रयोग कर सकते हैं। 15 से 20 साल के अभ्यास के बाद एक तकनीक अपनाई गई है और इसका प्रयोग करने के लिए आपको डॉक्टर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम रैपिड मॉडल कहते हैं जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने दी है। R से है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग और रैपो। आघात से बचे हुए व्यक्ति को हम सर्वाइवर कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में जब हम इनकी बात सुनते हैं तो हमें एक शीशे की तरह पेश आना है और इनकी बात सुननी है। रैपो का मतलब है इनसे एक अच्छा और ईमानदारी से संबंध बनाना। A से है असेसमेंट। इसमें हम देखेंगे कि किन किन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की। P से है प्रायोरिटाइजेशन। हम देखेंगे जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की, उन्हें हम पहले चुनेंगे। I से है इंटरवेंशन। हमें अभी समझ लेना है कि यही मौका है जब हमें कदम उठाना है और अपनी तरफ से मदद करनी है और PFA का मरहम लगाना है। आखिरी है डिस्पोजिशन और फॉलोअप। डिस्पोजिशन हम देखेंगे कि PFA के बाद व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, और फॉलोअप में एक रूल है कि कम से कम एक और बारी हमें सर्वाइवर से मिलना होगा और उनकी हालत देखनी होगी कि उनकी हालत और बिगड़ गई है कि और बेहतरीन हो गई है। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगी जहां मैं आपको बताऊंगी कि हमें PFA की ज़रूरत क्यों है और हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।